हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशल झा। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, जिसका नाम है हमारा देश। आज किसी से भी पूछो तो सिर्फ एक ही बात कहेगा, किसी से भी पूछो हमारे देश के बारे में, वो एक ही बात कहेगा कि हमारा भारत देश महान। अरे क्यों हमारा भारत देश महान भाई? हमारा देश में ऐसा क्या हो रहा है जिससे हम कह सकें हमारा भारत देश महान? बहुत जो सुनने वालों को ये बुरा लगेगा ये बात कह के कि मैं इंडियन होते हुए कह रहा हूँ कि हमारा देश भारत महान नहीं है। जी बिल्कुल, ये सच्चाई है आज का। हमारा देश भारत महान सिर्फ कहने को रह गया। हमारा देश महान कहने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। सबसे पहली बात हमारे देश के हीरो, जो कि है आर्मी, 24 घंटे हमारे सरहद पे रक्षा करते हैं। उन्हें ना खाने के लिए ठीक से ना खाना मिलता है, ना पीने के लिए ठीक से पानी। और एक जो बंदे थे हमारे, एक जो हमारे ही जावाज हीरो थे, बहादुर सिंह जी, उन्होंने उनका वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, उनका वीडियो वायरल हो गया था। आज उनको सुनने में खबर आई, BSF से उनको बर्खास्त कर दिया गया। क्यों? उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया, उन्होंने बहुत सारे नेताओं की पोल खोलने की कोशिश की। इसीलिए इससे हमारा देश क्या खाक महान बनेगा? कोई भी माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा यदि देश की सेवा करने जाए तो उसे कम से कम तो खाने के लिए तो ठीक मिले। कोई भी माँ बाप तो अपना बेटा को आर्मी में ना भेजेगा, इससे हमारा देश क्या खाक महान बनेगा? आप ही बताओ। हमारे देश में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जो सब यंगस्टर की है, और कम से कम तो मतलब क्या पता है आप लोग को, मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन होता है यंगस्टर लोग में ना। सबसे बड़ी मुद्दा है जाति प्रथा। हमारा देश में जब तक जाति प्रथा रहेगा हमारा देश कभी भी महान नहीं बन सकता। ये लिख के ले लीजिए और आप खुद भी ये बात सोच के समझ सकते हैं कि हमारा देश महान नहीं बन सकता। आज जो बंदा 90% लाता है, 95% लाता है, उन्हें हमारा देश में नौकरी नहीं मिलता। इंजीनियर्स लोग जो कि 90-95% लेके बेरोजगार घर पे बैठे हैं, वही इंजीनियर्स लोग को USA में जाके अपने खुद के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खोल के बैठे, कितने सॉफ्टवेयर कंपनी खोल के बैठे, और हमारे देश में वही 35-40% लाने वाले आज SP बन के बैठे, आज मिनिस्टर बन के बैठे। इससे हमारा देश क्या खाक महान बनेगा? आप ही लोग बता दो, इससे हमारा देश क्या खाक महान बनेगा? आज किसी से भी पूछो हमारा देश ऐसा क्यों है तो सब बंदा इंक्लूडिंग मी एक ही बात कहेगा, अरे ये वैसा नहीं कर रहा, ये वैसा नहीं कर रहा। अरे कभी खुद के तो अंदर झांक के देखो, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो वही कर रहे हो जो दूसरे बंदे कर रहे। किसी भी पूछो बोलता है ये स्वच्छ भारत अभियान कभी काम नहीं। अरे क्यों नहीं आएगी? यदि कोई एक बंदा एक जगह कचरा फेंकता है तो उसी बंदे को देखकर 10 बंदा उधर जाके कचरा फेंकते हैं। यदि वही एक बंदा खुद के अंदर सुधार लाए और उधर कचरा ना फेंके तो किसी भी 9 बंदे की हिम्मत नहीं होगी जाके उधर जाके कचरा फेंक ले। इससे हमारा देश भारत महान बनेगा? सिर्फ कहने से हमारा देश भारत महान कभी नहीं बन सकता। हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमारा देश भारत महान बनने के लिए। आज सबसे बड़ी बात हमारे देश में हो रही है नारी, जो नारी कभी हम लोगों की देश की गहना थी, जो कभी उनके सर आंखों पे बैठाया जाता था, आज हम लोग की देश की नारी जो कि रात को अकेले घर से बाहर निकलने में उन्हें डर लगता है। क्यों? हम लोग की वजह से। आज सभी बंदे पूछते हैं अरे लड़की की इज्जत करो क्योंकि लड़की। अरे दोस्त, लड़की की इज्जत कभी इसलिए नहीं करो क्योंकि लड़की है, लड़की की इज्जत इसलिए करो क्योंकि हम लोग लड़का है। सबसे पहली बात। हेलो दोस्तों, मैं कौशल की बात से सहमत हूँ, उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है। एक ऐसा समय था जिस समय में औरत को गहना कहा जाता था भारत का, वहाँ की आज का जमाने में ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे एक औरत रात में अच्छे से घूम नहीं सकती है, वो घर से निकलने में डरती है, उनकी माँ बाप छूट नहीं देते, क्यों? अरे ऐसा यहाँ का हालात ही ऐसा है, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अरे आदमी को हमेशा बदलना चाहिए, जमाने के साथ आदमी को बदलना चाहिए। वो लोग का ऐसा सोच, इतना गिरा हुआ सोचे ना, उनको घिन आती उन लोग का सोच देख के। अरे यार ऐसे करने से भारत का क्या खाक तरक्की होगा? लड़की को ना ढंग से पढ़ाया जाता है ना लिखाया जाता है, चार बेटी जिनके घर में हो जाए अजीब तरीका से उनकी सोच ही बदल जाती है। दहेज, अरे हमको मेन मुद्दा देखिए, दहेज हमको समझ नहीं आता। साला लड़का जो रहता है कितना पढ़ा लिखा रहता है, 10,000 साला का सैलरी है, 1,00,000 रुपया दहेज का मांगो, पर से उसको एक बाइक चाहिए, साला बाइक में पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है, कोई उसको समझा दो। अरे यार दहेज है क्या आखिर में? यार हमको एक सिंपल एक तो मुद्दा समझ में नहीं। अरे यार तुमको दहेज दे क्यों? आप ही बताइए दहेज क्यों दे आपको? जैसे मान लीजिए आप शादी किए उनसे, ठीक है चलिए शादी किए, अरे यार वो आपको खाना बना के खिलाती है, आपका दुख सुख सब कुछ तो यार आपके साथ वो बांटती है, वो आपको दहेज देगा क्यों? अरे यार ये हमको टॉपिक आज तक समझ में नहीं, इतना गिरा हुआ सोच के साथ क्या भारत खाक आगे बढ़ेगा? अरे यार एक लड़की 4 लड़के के साथ घूमे, अरे यार घूमेगी, तुमको दिक्कत क्या है यार? तुम अपना सोच बदलो ना, वो छोटा कपड़ा पहनिए उसमें सब उसको देखेगा। अरे छोटा कपड़ा पहनने से ही साला लड़कों के एकदम जीभ में लाट टपकने लगता है यार, क्या ही टपकेगा? अरे यार अपनी सोच बदलो ना सोच। अरे यार ये अजीब तो ये जैसे क्या बोले, मुझे तो उन लोगों को देख के गुस्सा आता है जो साला का ऐसे सोच है, उनको पकड़ के ना जलील करके मारना चाहिए रास्ता पे। अभी बताइए ये बात है असलियत में?
हेलो दोस्तों, यदि आप लोग हम लोग की बात से सहमत है तो इस वीडियो को जितना भी हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज 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 इस वीडियो पे कमेंट करें आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएं इससे।